Continue with chapter admission of a partner. In this video we are going to discuss question number 65, and question is: on 31st March 2017, balance sheet of Abir and Divya, who was sharing profit in the ratio of 3:1, what as follow. दो पार्टनर है अबीर और दिव्या, उसकी आपको बैलेंस शीट गिवन है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 3:1 और कुछ एडजस्टमेंट्स गिवन है, और आपको बोला गया है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म आपको प्रिपेयर करनी है. सो सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे. सो फॉर्मेट इज रेडी. क्रेडिट साइड, जब कोई एसेट बढ़े, लाइबिलिटी कम हो या अनरिकॉर्डेड एसेट का पता लगे. डेबिट साइड, एसेट कम हो, लाइबिलिटी बढ़े या अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी का पता लगे. सबसे पहले बोला गया है कि विभोर अपनी कैपिटल के तौर पे लेकर आए 80,000, वो तो रिवैल्यूएशन में आता नहीं. स्टॉक वाज ओवर वैल्यूड बाय 20,000, स्टॉक की वैल्यू 20,000 से ज़्यादा दिखाई थी. अब इसकी वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी. सो एसेट की वैल्यू जब कम होती है तो हम डेबिट साइड लिखते हैं टू स्टॉक अकाउंट, कितने के साथ, 20,000. देन इट इज अ डेटर हु ड्यूज ऑफ 5,000 वर रिटर्न ऑफ एज बैड डेट, पे 4,000 इन फुल सेटलमेंट. एक डेटर था जिसको पहले ही हम राइट ऑफ कर चुके थे, मतलब हमने पहले ही सोच लिया था कि अब इसने आना नहीं, ये हमारा बैड डेट हो गया. अब वो आया और हमें 4,000 दे गया, हमें पैसे मिल गए, बैड डेट रिकवर्ड हो गए. बैड डेट रिकवर्ड हमारे लिए एक एसेट होती है. सो बाय बैड डेट रिकवर्ड, क्योंकि इसको हमने लॉस मान लिया था, राइट ऑफ कर दिया था, अब वो आया और हमें 4,000 दे गया. नेक्स्ट, 2 month सैलरी ऑफ 6,000 पर मंथ वॉज आउटस्टैंडिंग. 2 महीने की सैलरी पेंडिंग है और 1 महीने की सैलरी है 6,000. सो सैलरी आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग सैलरी की लाइबिलिटी होती है. सो इसको लाइबिलिटी साइड दिखा दिया, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी. 1 महीने की 6,000 है, 2 महीने की पेंडिंग है, मतलब टोटल कितनी होगी, 12,000. नेक्स्ट आपको बोला गया है विभोर वाज टू ब्रिंग इन कैपिटल टू द एक्सटेंट ऑफ 1/5 ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म. कैपिटल वाला पॉइंट रिवैल्यूएशन में नहीं आता, बस हो गया रिवैल्यूएशन का. अब इसमें हम प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करेंगे. तो इस साइड का हमारे पास टोटल बन रहा है 32,000. 4,000 माइनस किया, ये आ गया 28,000. दोनों साइड इक्वल होगी. जब बैलेंसिंग फिगर बाई बाय साइड आता है तो उसको बोलते हैं लॉस. बाय लॉस ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स हैं हमारे पास अबीर और दिव्या, और उनकी पुरानी रेशियो है हमारे पास 3:1. सो 28,000 मल्टीप्लाई 3/4, 28,000 मल्टीप्लाई 1/4, ये आ गया 21,000 और ये आ गया 7,000. सो रिवैल्यूएशन कंप्लीटेड. नाउ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. सबसे पहले पार्टनर कैपिटल अकाउंट में कैपिटल के बैलेंस लिखते हैं, रिवर्स साइड लिखना है, इतना याद रखें. लाइबिलिटी का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, 6 लाख और 4 लाख. अब देखें इसमें कुछ और तो नहीं हमारे पास डिवाइड करने के लिए. एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड को हम कभी डिवाइड नहीं करते. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, अब यहाँ ध्यान से देखना है. पहले हम चाहते थे कि हमारी इन्वेस्टमेंट की कीमत हो 5 लाख, उसकी मार्केट कीमत होगी है 4,60,000, मतलब हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी कम होगी, 60,000. अब हमने यहाँ रिजर्व इसी काम के लिए बनाया होता है कि अगर हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होगी तो हम यहाँ से पूरा कर लेंगे. अब 1 लाख का हमने रिजर्व बनाया था, उसमें से 60,000 निकाल के हम इन्वेस्टमेंट में डाल देंगे. सो इसमें से 60,000 यूज हो चुके, बैलेंस कितना रह गया, सिर्फ 40,000. जब लॉस उसके रिजर्व उसके फंड में से पूरा हो सकता है तो उसको हम रिवैल्यूएशन में नहीं लिखते, इसलिए हमने इन्वेस्टमेंट को रिवैल्यूएशन में नहीं दिखाया. ठीक है, अब हमने कितना फंड बांटना है, सिर्फ 40,000, क्योंकि 60,000 तो हमने इन्वेस्टमेंट में इस्तेमाल कर लिया. सो यहाँ बाय वाली साइड डाल दिया, बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट ओल्ड रेशियो में बांट दिया 3:1, या गया 30,000 10,000. नेक्स्ट जर्नल रिजर्व है, ये भी हम पार्टनर्स में डिवाइड करते हैं. सो बाय जनरल रिजर्व ओल्ड रेशो में बांट दिया, ये आ गया 90,000 और 30,000. और कुछ लाइबिलिटी साइड तो नहीं डिवाइड करने के लिए, नहीं. और एसेट साइड कोई लॉस नहीं है या कोई पुरानी गुडविल नहीं है. सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट. रीवैल्यूएशन का लॉस ट्रांसफर करेंगे टू रीवैल्यूएशन 21,000 7,000. ठीक है,
बैलेंस शीट कंप्लीट, रीवैल्यूएशन कंप्लीट, एडजस्टमेंट्स में आए। जो विभोर है वो अपने कैपिटल के तौर पे लेकर आया 80,000। हमें पता है कि कैपिटल सेक्रीफाइजिंग पार्टनर सेक्रीफाइजिंग रेशियो में, अब इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ ओल्ड रेशियो गिवन है और न्यू पार्टनर का सिर्फ हिस्सा गिवन है, तो क्या हमें सेक्रीफाइजिंग रेशियो कैलकुलेट करनी पड़ेगी? नहीं, ओल्ड के इक्वल ही होगी। ठीक है, सो पार्टनर्स में गुडविल बांटते हैं, उनको मिल जाता है। सो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 80,000 लेकर आया था, सेक्रीफाइजिंग रेशियो 3:1 में बांट दी, ये आ गया हमारे पास 60,000 और 20,000। क्लियर? इसके बाद स्टॉक भी हो गया, ये भी हो गया, सैलरी भी हो गया। लास्ट में आपको बोला गया कि विभोर एक न्यू पार्टनर, उसकी कैपिटल होनी चाहिए, है ना, न्यू फॉर्म के अकॉर्डिंगली। एक्चुअल में ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का पॉइंट है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अब हमारे सिलेबस में नहीं है फॉर द सेशन 2020-2021। सो यहां मैं पहले ही लिख लेती हूं कि मान लीजिए कि हमें विभोर की कैपिटल गिवन है 3,03,000। ठीक है, अगर हम एडजस्टमेंट वाला टॉपिक होता तो हमको सीख लेते कैसे कैलकुलेट करना है, अब वो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो अब ये मान के चलते कि हमें विभोर की कैपिटल कंपनी में ऑलरेडी गिवन है। सो हमने लिख लिया विभोर की कैपिटल बाय बैंक 3,03,000। सो सब कुछ कंप्लीट हो गया। लास्ट में बस हम टोटल कैलकुलेट करते हैं। अबीर का टोटल आ रहा है 7,80,000, इसमें से 21,000 माइनस किया तो आ गया 7,59,000, और दोनों साइड इक्वल होगी 7,80,000, 7,80,000। दिव्या का किया ये आ गया 4,60,000, बीच में से 7,000 माइनस किया तो आ गया 4,53,000, और दोनों साइड इक्वल होगी 4,60,000, 4,60,000। विभोर 3,03,000, यहाँ कुछ माइनस करने के लिए नहीं है तो यही इसका बैलेंस हो गया, और दोनों साइड इक्वल होगी 3,03,000। ये हमारे पास आ गया टू बैलेंस कैरिड अप। क्लियर? सो कंप्लीटेड विद द रीवैल्यूएशन एंड पार्टनर्स कैपिटल। अब हम बैलेंस शीट सीखेंगे। सो सबसे पहले बैलेंस शीट हमने बनानी है 1 अप्रैल 2017 को, जब विभोर कंपनी में आया। सो फॉर्मेट इज रेडी। क्रेडिटर्स, इनके बारे में कुछ क्वेश्चन में बोला गया है, नीचे एडजस्टमेंट में कुछ नहीं बोला गया, तो मतलब क्रेडिटर्स की वैल्यू क्या रहेगी? सेम। सो लिख लिया क्रेडिटर्स, इनकी वैल्यू सेम रहेगी 2,20,000। इम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड कुछ भी नहीं बोला, ये भी सेम रहेगा, ये कभी भी हम पार्टनर्स में नहीं बांटते क्योंकि ये इम्प्लॉयज का है, ये उनको ही दिया जाएगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन हमने बांट लिया, जर्नल रिजर्व हमने बांट लिया, दोबारा नहीं लिखेंगे। कैपिटल लिखना है, अब कंपनी में कितने लोग हो गए हैं? टोटल 3, अबीर, दिव्या एंड विभोर। जो अब हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उनके बैलेंस कैरी डाउन लिखे, वो वाली वैल्यूज हमने लिखनी है, 7,59,000, 4,53,000, 3,03,000, और ये टोटल हमारे पास आ गया 15,15,000 जो बैलेंस कैरी डाउन था। सो ये भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद एसेट साइड, कैश एट बैंक, ऑलरेडी हमारे बैंक में पैसे हैं 1,40,000। जब न्यू पार्टनर आया वो अपनी गुडविल लेकर आया 80,000, वो अपनी कैपिटल लेकर आया 3,03,000, और हमारा एक बैड डेट था जिसने हमें 4,000 दिया। सो हमारे पास जितने जितने जहां जहां से पैसे आए हमने सारे प्लस कर लिए, ये बन गया हमारा 5,27,000। ठीक है, इसके बाद डेटर्स हैं, इनके बारे में कुछ नहीं कहा गया, इसको हम सेम लिख लेंगे 6,50,000। प्रोविजन के बारे में भी कुछ नहीं कहा गया, ये भी हम सेम लिख लेंगे 50,000, और माइनस करके आ गया 6,000, 6 लाख। स्टॉक कुछ नहीं बोला गया, स्टॉक के बारे में कहा गया था इसकी वैल्यू 20,000 से ज्यादा दिखाई है, अब 20,000 कम कर देंगे। सो 3 लाख में से 20,000 माइनस किया, ये आ गया 2,80,000। देन इन्वेस्टमेंट, अब इन्वेस्टमेंट की कीमत हो गई है 4,40,000, अब हमने लिखना है 4,40,000। क्लियर? सो एडजस्टमेंट्स में देख लें, गुडविल हमने कर ली, स्टॉक कर लिया, डेटर कर लिया, आउटस्टैंडिंग सैलरी पड़ा है तो वो एक लाइबिलिटी होती है। सो आउटस्टैंडिंग सैलरी 12,000, वो भी हमने लिख ली, दैट्स ओवर। बस लास्ट में टोटल करना है, टोटल किया हमारे पास आ जाएगा ये 18,47,000, 18,47,000। क्लियर?
सो दिस वॉज अबाउट क्वेश्चन नंबर 65 ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर. लास्ट पॉइंट जो था उसको हमने थोड़ा सा चेंज कर लिया अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द सिलेबस कि आपको एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल नहीं है तो हम मान के चलेंगे कि हमें भी बोर की कैपिटल गिवन है. पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट.